हेलो दोस्तों, एक बार फिर मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CRPF, ESAC या NORSET, जो भी आगामी एग्जाम है नर्सिंग ऑफिसर का या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, उसके रिगार्डिंग अपन ने सफलता टेस्ट सीरीज शुरू की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो दोस्तों, इसके वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना है। हर क्वेश्चन को रेशनल के साथ में आपको समझाया जाएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार के नर्सिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स आपके लिए ये हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CSO के लिए मिशन CSO बुक मार्केट में अवेलेबल हो गई है, फ्लिपकार्ट अमेजन पे है। और CRPF ESA के लिए जो नॉन टेक की बुक है, मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK, कंप्यूटर साइंस और जो 500 सब्जेक्ट है GS, इनके लिए अलग से एक बुक बनाई है मिशन नॉन टेक, जो बिल्कुल एक पतली सी किताब है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इन दोनों का सैंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप परचेज करना चाहते हो, जो नीचे नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज या फ्लिपकार्ट अमेजन से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी अपन टाइम वेस्ट कर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो ये क्वेश्चन है, आगामी होने वाले नर्सिंग ऑफिसर के या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो भी एग्जाम रहेगा, सभी के लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हर टाइप के हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू प्योरीफाई 20 लीटर्स वाटर क्लोरिन टेबलेट यूज टू शुड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 20 लीटर वाटर है, ठीक है, उसमें क्लोरिन के कितने टेबलेट या कितने ग्राम क्लोरिन इसमें यूज होगा वाटर प्योरीफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, 40 लीटर्स के लिए होता है 1 ग्राम। एक बात माइंड में रखना, 40 लीटर्स के लिए कितना रहता है 1 ग्राम, तो 20 लीटर्स के कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से रखना। आपको कमेंट बॉक्स में आप पहले आंसर भी दे सकते हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपको रेशनल जानना है तो रेशनल बस वही बात बता रखी है, लेकिन फिर भी जान लो कि 0.5 ग्राम किस 20 लीटर के लिए सफिशेंट रहता है, मतलब 1 ग्राम 40 लीटर के लिए सफिशेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्व इन्वॉल्व इन कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहती है? जोधपुर एम्स 2017 में जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राइट आंसर डी, मीडियन नर्व। जो कार्पल टनल सिंड्रोम है CTS, ठीक है, ये मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर की वजह से होता है, और इसकी वजह से आगे टिंगलिंग, नमनेस और पेन हो सकता है हाथ और फिंगर्स में। तो ये इसके आगे सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज फार्मर लंग्स इज कोज बाय। कम्युनिटी लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, स्टेट PSC के जो एग्जाम होते हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑक्यूपेशनल डिजीज का सीधा सा मतलब कहा जाता है कि जो लोग फैक्ट्रियों में, कारखाने में या ऑक्यूपेशन, कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की वजह से डिजीज होती है, उसको निमोकाइनोसिस या ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज में फार्मर लंग्स किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों, जो फार्मर लंग्स होता है वो होती है ए या ग्रेप डस्ट, इसको ए फीवर भी बोल सकते हैं। तो ए या ग्रेप डस्ट की वजह से ही होती है। और ये किसका वजह से, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब एक प्रकार की सेंसिटिविटी होती है, और हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द निमोनाइटिस। किसका टाइप है? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द निमोनाइटिस। और दोस्तों, ग्रेप फीवर या हाई डस्ट का कोज क्या होता है? फार्मर लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेलेशन ऑफ द कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम कोच। देखो दोस्तों, ऑक्यूपेशनल डिजीज में जो सबसे इंपॉर्टेंस और सबसे कन्फ्यूजिंग चीज है, एक होता है बेगोसिस, एक होता है बिनोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम कोच, तो इसका दो प्रकार से मैं आपको आंसर करता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना, ठीक है। एक तो होता है बैग, ठीक है, और दूसरा होता है बाय। तो सीधा सा मतलब होती है कि शुगर को बैग में डालना है। शुगर को किस में डालना है? बैग को, बैग में। शुगर को किस में डालोगे? बैग में। तो शुगर कैन की रिलेटेड जो डिजीज होती है, उसको बोलते हैं अपन बैगोसिस। और कॉटन डस्ट की वजह से होता है, वो होता है बिनोसिस, ठीक है। कॉटन में के अंदर बिनोला पाया जाता है, क्या पाया जाता है? बिनोला। तो बिनोला से बिनोसिस। ये चीज कंप्लीट हो गई। अभी अपन नेक्स्ट और बात करते हैं, एंथ्रोसिस, एंथ्रोकोसिस। देखो दोस्तों, कोल के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोल की 4 स्पीसीज रहती है, कोयला जिसको बोलते हैं, जिसकी 4 टाइप रहती है। और सबसे हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है, उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, ठीक है।
एंथ्रासाइट के नाम से ही बना है, या उसकी वजह से जो डिजीज होती हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोकोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिलिकन की वजह से सिलिकोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसको बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि जो बीनोसिस क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज है, किसकी वजह से होता है, कॉटन है, मैप है, लेकिन जो मोस्टली दोस्तों जो यूज होता है वो क्या होता है, कॉटन। अब दोस्तों कोल्ड डस्ट की वजह से एंथ्रोकोसिस, सिलिका की वजह सिलिकोसिस, आयरन सिडरोसिस, केन्स फाइबर या केन्स शुगर और कॉटन डस्ट, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं पर नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी GOBA कैंपेन हैज बीन प्रोमोटेड बाय, जो गोभी कैंपेन है या GOBA कैंपेन है इसको कौन प्रमोट करता है? तो अलग अलग इंस्टीट्यूट है, नेशनल के UNDP, यूनिसेफ, WHO, FAO। दोस्तों जो GOBY है इसके एक तो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछा जाता है कि GOBY में B स्टैंड फॉर क्या है, I स्टैंड फॉर क्या है, O स्टैंड फॉर क्या है, G स्टैंड फॉर क्या है, इसमें फोर में से किसी एक का पूछा जाता है। लेकिन ये कैंपेन प्रमोट कौन सा डिपार्टमेंट करता है या कौन सा इंस्टीट्यूट करता है? तो वो करता है यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ कब आया? 1946 में। साथ में किसको लेके आया? BSc नर्सिंग को। BSc नर्सिंग भी 1946 में आया था, यूनिसेफ भी 1946 में आया था। और दोस्तों इसके साथ में इसका एक INC आया था। INC कब आया था? जैसे यूनिसेफ आया, यूनिसेफ के पीछे पीछे INC भी आया 1947 में। और जैसे INC पहुँचा ही नहीं, उसके बाद में WHO भी आ गया कि सब तुम लोग आ गए तो मैं पीछे की रोज। WHO कब आया? 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में WHO आया। इसकी वजह से 7 अप्रैल को विश्व हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो दोस्तों ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन किया गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि GOBY होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म सुन लो। जो गोभी कैंपेन है किसने स्टार्ट किया था? यूनिसेफ ने स्टार्ट किया था। और इसके अंदर जो बच्चा के हेल्थ का जो रिवोल्यूशन के लिए 4 स्ट्रेटजी तैयार की थी, मतलब 4 प्लानिंग तैयार की थी आप बेटर से बेटर कैसे एक हेल्थ डेवलपमेंट हो सके। तो जैसा कि आपको पता है यूनिसेफ मोस्टली बच्चों के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब जी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ स्टार्ट, बच्चे की जो वृद्धि होती है कैसे होगी वो जी के ऊपर डिपेंड करता है। ओ का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन, बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग और आई का मतलब इम्यूनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, GOBY का पूरा फॉर्म आपको पता होना चाहिए। G4 ग्रोथ स्टार्ट, O4 ओरल रिहाइड्रेशन, B4 ब्रेस्ट फीडिंग और I4 इम्यूनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किड सप्लाई एट अ सब सेंटर। ये क्वेश्चन भी 2017 में एम्स जोधपुर और दिल्ली में आया था कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग सेंटर पे किट सप्लाई किया जाता है, किट ए, किट बी, किट सी, अलग अलग जगह अलग अलग सप्लाई होता है। और जिस प्रकार का हॉस्पिटल रहता है उसके बेस पे रहता है। एग्जैक्टली होते क्या किट सप्लाई? किट सप्लाई का सीधा सा मतलब होता है कि किट ए में भी कुछ डिवाइस कुछ मेडिसिन रहेगा, किट बी में रहेगी, किट सी में, मतलब अलग अलग एक मेडिसिन का ग्रुप जो एक जिस जगह पे वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं उनके एक अलग अलग किट बनाए। जैसे सब सेंटर के लिए अलग रहेगा, PSC के लिए अलग रहेगा, सब जगह अलग अलग रहता है। जो सब सेंटर पे जो किट अवेलेबल करवाया जाता है वो ए और बी, ठीक है। सब सेंटर पे जो किट अवेलेबल करवाया जाता है वो किट ए और किट बी। नेक्स्ट है कोप्लिक स्पॉट आर्सेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है। तो फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। कोप्लिक स्पॉट आप आंसर लिखना है, आपको ABC नहीं करना, ABC में कन्फ्यूजिंग होता है, तो फटाफट लिखिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर मिजल्स होता है, लेकिन मिजल्स ऑप्शन में नहीं, इसलिए मैंने आपको आंसर देने के लिए बोला है। तो मिजल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबियोला। मिजल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबियोला। और रूबियोला का दूसरा नाम क्या है? जर्मन मिजल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। मिजल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबियोला। और कभी कई बार रूबेला का दूसरा नाम पूछता है तो उसको क्या है? जर्मन मिजल्स। क्या है? जर्मन मिजल्स। इसके बाद में जो कॉप्लिक स्पॉट, इसका नाम क्यों दिया? कि साइंटिस्ट था जिसकी वजह से, या एक डॉक्टर था, पीडियाट्रिक का डॉक्टर था हेनरी कॉप्लिक, और उसने जो सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया, इसलिए उसकी वजह से उसके बेस पे इसका नाम दिया। तो स्मॉल रेड स्पॉट रहते हैं कहाँ पे? रहता है ब्लू वाइट सेंटर ऑन ओरल मुकेसा, मुंह के अंदर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान में रखना कि रूबियोला का मतलब क्या होता है? रेड स्पॉट। रूबियोला का मतलब क्या होता है? रेड स्पॉट।
और ये रेड स्पॉट जो रेसेस अपीयर होता है उससे पहले की अवस्था रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म द एलिजा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में बहुत ईजी लगता है लेकिन ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर क्या है, डी, एंजाइम लिक्र इम्यूनोसोर्बेट एसे, ठीक है। और किस एंटीजन, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एंटीबॉडी जो रहता है एच आई वी माइकोबैक्टीरियम उनके लिए आइडेंटिफाई या डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द एच आई वी प्रोग्नोसिस। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन हर सीरीज में सफलता जो अपने टेस्ट सीरीज शुरू की है उसका हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एच आई वी प्रोग्नोसिस, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपने आंसर दिया मतलब आप वीडियो देख रहे हो, अदरवाइज आपका ध्यान नहीं है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनआरएसएम जो कम्युनिटी के जो भी एग्जाम होगा, सीएसओ एनएसएम के एग्जाम, इसमें तो ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो एनआरएसएम कब आया। तो एनआरएसएम कब आया, एनआरएसएम आया 2005 में, ठीक है। आरटीआई भी कब आया, 2005 में। और एनआरएसएम कब हुआ, 2005 में कब आया, अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने की कौन सी तारीख में, 12 तारीख को आया। कौन सी तारीख को आया, 12 तारीख को, मतलब 12 अप्रैल 2005 में। और एनआरएसएम साथ में किसको लेकर आया, आशा को भी साथ में लेकर आया। किसको लेकर आया, आशा। आशा कब आई, 2005 में। ये आपको दोनों रिलेट करके पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च, RCS। ऐसा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ऐसे देखते थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो RCS की भी दो फेज थी, फर्स्ट और सेकेंड। RCS जो सेकेंड फेज है किसके साथ में आया था, NRSM के बाद में आशा और RCA सेकेंड साथ में आया था। लेकिन जो RCS जो फर्स्ट है, RCS आज क्रिकेट का मैच देख लिया ना, उसकी वजह से RCS नाम आ रहा है। तो RCS, ठीक है, RCS फर्स्ट 1997 में, RCS सेकेंड 2005 में। 2005 में क्या आया था, NRHM, और NRSM के साथ में क्या आया था, आशा, ठीक है। ये आपको दोनों बता दिया है। RCS अगर एग्जैक्टली डेट पूछा जाता है तो लॉन्च 15 अक्टूबर 1997, और एग्जैक्टली अगर नहीं पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक 12 अप्रैल 2005 में जननी सुरक्षा योजना भी आई थी, GSY, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वापस बता देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है। 2005, 12 अप्रैल 2005 को NRSM आया। NRSM किसको लेकर आया, आशा को लेकर आया, ठीक है। आशा किसके लेकर आई, आशा पेशेंट को कहाँ लेके गई, जननी सुरक्षा, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। और इसके बाद में को साथ में इसको केयर करने वाला कौन है, RCS, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। NRSM आया, NRSM जैसे है तो साथ साथ में आशा लेके, आशा आई, और आशा पर्सन को कहाँ लेके गई, जननी सुरक्षा योजना के तहत हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल में उसको कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिट किया, RCS सेकेंड के अंदर। ऐसा करके आप याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर ओरल पिल्स इनिबिट प्रेगनेंसी वाइज, देखो दोस्तों, जो अलग अलग जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रहते हैं उनके जो वर्किंग जो मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है ना। तो जो ओरल पिल्स रहता है इनिबिट प्रेगनेंसी को कैसे भी इनिबिट करता है, बाय डिस्ट्रॉइंग स्पर्म को डिस्ट्रॉय करता है, या ओवुलेशन को रोकता है, जाइगोट को डिस्ट्रॉय करता है, या ऑल ऑफ अबव। फटाफट आंसर दीजिए। देखो दोस्तों, ओरल पिल्स क्या करती है, जो ओवुलेशन को इनिबिट कर लेती है। जब ओवुलेशन को इनिबिट कर लेंगे मतलब ओवम बाहर नहीं निकलेगा, जब ओवम बाहर नहीं निकलेगा तो स्पर्म के साथ जाइगोट नहीं बन पाएगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि ओरल पिल्स क्या करती हैं, कि जो इनिबिट ओवुलेशन को इनिबिट कर लेती हैं। अब दोस्तों कि इनिबिट कैसे करेगी, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहती हैं, ठीक है, आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का सेक्शन गोनाडोट्रोपिक एपीएसएस और एलएस जो उसके एंट्री पोर्शन रहता है वहाँ से सिक्रेशन होता है, तो उसको वहाँ से ब्लॉक कर लेंगे, और ब्लॉक होते ही ये सीक्रेट नहीं होगा, और जब ये सीक्रेट नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन कौन करवाता है, कई बार पूछा जाता है, ओवुलेशन एलएच करवाता है। ओवुलेशन कौन करवाता है, एलएच करवाता है। और एलएच में एक और चीज़ पूछी जाती है, एलएच सर्स क्या होता है। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि एलएच सर्स क्या होता है, एलएच सर्स। ओवुलेशन कौन करवाता है, एलएच। और एलएच सर्स क्या होता है, बिल्कुल एक नई टर्म है, सबको पता भी होगा, जिनको पता नहीं हो बता देता हूँ कि ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन से
24 आवर्स पहले, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ओवुलेशन से कुछ टाइम पहले, जब LH का लेवल पिक लेवल तक रहता है, हाईएस्ट लेवल या पिक लेवल तक रहता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं LSS, या सिंपल से ऐसे बोल सकते हैं कि ओवुलेशन से पहले LH का पिक लेवल इज कॉल्ड बाय द LSS। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आगे सीआरपीक भी आ रही है, ईएसई भी आएगा, आरआर भी आएगा, तो सब तरह की वैकेंसी है, तो आपको इसी सबके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें, देखो दोस्तों बिहार सीएसओ वाले ध्यान से देखना, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें, 12, 14, 15, 16। देखो मैं आपको बता देता हूँ राज्यसभा लोकसभा के बारे में। राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं संसद के, ठीक है। राज्यसभा स्थायी होता है और लोकसभा अस्थायी होता है, ठीक है। राज्यसभा में हर दो साल के बाद में 1/6 सदस्यों का, हर दो साल के बाद में 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट हो जाता है, या उन वहाँ से निकल जाते हैं और नए आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर का। बट ऐसा नहीं है, देखो टोटल कार्यकाल राज्यसभा का कितना होगा, 6 ईयर, लेकिन हर दो साल में 1/3 सदस्य जाएंगे और नए आ जाएंगे। इसके बाद में अपन और बात करते हैं कि जो राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें कितनी है, 252, और अभी वर्तमान में कितनी है, 245, ठीक है। अब इसके बाद में राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखो उल्टा है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है, राज्यसभा में दो सीट, ऐसा नहीं है। लोकसभा में दो सीटों को मनोनीत किया जाता है, 2 सदस्यों को, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545, कितनी है, 545। अब जो बिहार में कितनी है, देखो बिहार का पूरा मैंने डाटा दे रखा है, बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं, 40 सदस्य। बिहार से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं, 16 सदस्य जाते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितना है, 243 सदस्य। तो राज्यसभा का भी हो गया, लोकसभा का हो गया, और विधानसभा की हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं से लिख लेना, आपके एग्जाम के परिवेश से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सीएसओ के लिए भी ये काम आ सकता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, ऑप्शन ए नर्मदा, शिप्रा नदी, संबल नदी और माई नदी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो दोस्तों नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, और नर्मदा जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ, न्यू केसेज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग फिक्स पीरियड डिटरमाइन, जो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में न्यू केसेज मिल रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रिवेलेंस रेशियो, डिसेबिलिटी रेशियो, अटैक रेट और इंसिडेंस रेट। तो क्या कहता है, इंसिडेंस। दो प्रकार के वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 टाइप्स के वर्ड रहते हैं, ठीक है। एक रहता है प्रिवेलेंस, एक रहता है इंसिडेंस। तो मैं तो इतना से समझता हूँ, प्रिवेलेंस पी मतलब पुराना, पुराना प्लस नया, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिवेलेंस। और इंसिडेंस का मतलब होता है सडनली, कि कुछ अपन क्या बोलते हैं, कुछ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंस मतलब उसी टाइम कुछ हुआ है, इंसिडेंस हो गया, तो मतलब नए। तो जिसमें पॉपुलेशन न्यू केसेज आते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंस, जिसमें पुराने केसेज आते हैं उसको बोलते हैं प्रिवेलेंस। पुराने केसेज प्रिवेलेंस, नए केसेज इंसिडेंस। लेकिन प्रिवेलेंस के अंदर दोनों की जब टोटल काउंटिंग होती है तब इसको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको इंसिडेंस का ध्यान में रखना और याद करने के बिल्कुल सिंपल से ट्रिक है, इंसिडेंस सडनली होता है, मतलब जो न्यू केसेज आते हैं उनको इंसिडेंस में काउंट किया जाता है। मैटरनल मॉर्टेलिटी एक्सपेंस इनटू, देखो दोस्तों जनरल जो भी वाइटल स्टडी के डाटा निकलते हैं, मैक्सिमम डाटा 1000 को बेस मान के निकाला जाता है। बट मैटरनल मॉर्टेलिटी MMR एक ऐसा डाटा है जो 1000 पे नहीं निकाल के, कितने पे निकालते हैं, 1 लाख पे। MMR कितने पे निकलता है, 1 लाख, बिल्कुल याद रखना, MMR कितने पे निकलता है, 1 लाख पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट है, हाँ देख लो, ये भी समझ लो कि भाई मैटरनल मॉर्टेलिटी होता क्या है, MMR होता क्या है, ठीक है। तो MMR कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग होती है, कि जो प्रीपरेशन पीरियड है 14 to 2 days तक काउंटिंग होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और 1 लाख, ये 1 लाख सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के परिव्यू से। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ द इंफेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर पर्सन इन नॉन, एंड कि इंफेक्टेड पर्सन से अलग करना क्या कहलाता है, बैरियर टेक्निक, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। सेपरेशन ऑफ द इंफेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर पर्सन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोलेशन। देखो दोस्तों क्वारंटाइन में क्या होता है,
कि वहाँ पे इन्फेक्ट पर्सन को पहले ही अलग कर दिया जाता है। एक पेशेंट आ गया, ठीक है, एक पेशेंट आ गया, पेशेंट एक नॉर्मल पर्सन आ गया, तो नॉर्मल पर्सन को पहले अलग कर दिया कि भी उसको कुछ डिजीज हो नहीं जाए, वो तो हो गया आपका क्वारंटाइन। अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी डिजीज हो गया हॉस्पिटल में, वो अगर एडमिट है, उस कंडीशन में अपना पर्पज क्या रहेगा कि ये आगे और किसी को डिजीज नहीं फैलाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोलेशन। तो दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, आइसोलेशन और क्वारंटाइन, आपको माइंड में रखना है, ठीक है, दोनों को एक मत मान लेना और कन्फ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। कोरोना के टाइम में अपने को क्वारंटाइन कर रहे थे पहले, तो क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट अपने हेल्थ वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वारंटाइन दे रही थी। हॉस्पिटल में कोई मेनिंजाइटिस का पेशेंट एडमिट हुआ या कोरोना का एडमिट हुआ, तो उसको पर्टिकुलर वार्ड में एक सेपरेट रखा जाता था, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। क्या बोलते थे, आइसोलेशन। नेक्स्ट है, सडन आउटब्रेक ऑफ द डिजीज अफेक्टिंग अवर वेरी वाइड एरिया में कवर इंटरनेशनल बाउंड्री अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखो दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है और कोरोना भी इसी का एग्जांपल है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया, ठीक है, कि सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज अफेक्टिव और वेरी वाइड एरिया में कवर इंटरनेशनल बाउंड्री अफेक्टिव लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जिनमें इंक्लूड है और इंटरनेशनल लेवल पर, और कोई डिजीज सडनली अफेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाती है? अगर पर्टिकुलर रीजन में है तो उसको अपन एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, तो क्या बोलेंगे? तो अगर जो इंटरनेशनल लेवल पे है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। और कोरोना कोई पेंडेमिक डिक्लेयर किया था, कोरोना को क्या कर दिया था, पेंडेमिक डिक्लेयर। और पेंडेमिक का ही छोटा रूप होता है एपिडेमिक। अगर एक पर्टिकुलर जगह पे होती है उसको अपन एपिडेमिक, और एक बहुत बड़ा स्पेस घेर लेता है, इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब वर्ल्ड वाइड हो जाता है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना। जैसे एड्स है, बुबेनिक प्लेग वायरस है, कोरोना है, ये क्या है, सब पेंडेमिक डिजीज है। और दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता का कितना प्रतिशत है, तो बिहार में साक्षरता 63.8% है और ऑलमोस्ट 61 से 63.8, ऑप्शन में नहीं उसकी वजह से 61.8% है, बट एग्जैक्टली कितना होगा, 63.8%। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए मिशन CSO की बुक मार्केट में अवेलेबल हो गई है, तो आज आप फ्लिपकार्ट अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो। और जो CRPF, ESI, RRB, DSSB, NORSET, जो हमेशा लड़के टेंथ में रहता है, मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, GK कहाँ से पढ़े, साइंस कहाँ से पढ़े, कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, उसके लिए मिशन नॉन टेक बुक निकाली है, बिल्कुल एक पतली सी बुक है जो आपके एग्जाम के पर्पज से बनाई गई है और बिल्कुल इजी वे की बुक है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों उसी को भी ऑर्डर करने के लिए, उसका भी मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, ऑर्डर करने के लिए फ्लिपकार्ट अमेजन पे जा सकते हैं, और दोनों ही बुकों का सैंपल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना।